अब जो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है तो अब ये सिनेरियो है ये एक रियल टाइम सिनेरियो है जिसको मैंने शॉर्ट करके लिखा है तो अगेन यूजली सिनेरियो जब आपको मिलता है तो जितनी नंबर ऑफ लाइन्स सिनेरियो में कम होती हैं द मोर प्रडिक्टेबल इज के इट वुड बी मोर कॉम्प्लेक्स रीजन डिटेल ज्यादा नहीं दी होती अभी तक जो मैं सिनेरियो आपको प्रेजेंट कर रहा हूं आई एम ट्राइंग कि मैं आपको ऐसा सिनेरियो बताऊं कि आप फॉर एग्जाम्पल कंप्लीट रिलेशनशिप आप स्नैरियो से ही ड्राइव कर सकें लेकिन रियल टाइम में यानी जब आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये ये सिचुएशन नहीं होगी आपको खुद से कुछ एक्सम्शन करके या आपको खुद से कुछ ड्यू डिलीजेंस करके कुछ चीजें ड्राइव करनी पड़ती है अब हमारा प्रोसेस वही है कि हम स्नैरियो से पहले एंटिटीज को आइडेंटिफाई करेंगे फिर एंटिटीज आइडेंटिफाई करने के बाद हम ईआरडी को जनरेट करेंगे तो दैट इज स्टेप नंबर वन तो स्नेरियो हमारा ये है

टू टू कंफ्यूज यू इंटेंशनली वो ये है कि मैं लिखा कि जी एल्बम कैन कॉन्टेन एटलीस्ट वन सॉन्ग टू द एल्बम 12 सॉन्ग ईआरडी के अंदर आप ये तो बता सकते हैं कि जी एक पैनल रिकॉर्ड के अगेंस्ट दूसरे जो एंटिटी है उसमें वन और मोर रिकॉर्ड्स आ जाए लेकिन मोर को आप कैप नहीं कर सकते ये नहीं बता सकते कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोर वुड बी ट्वेल्व ये लिमिटेशन है ईआरडी की और जो आखिर लाइन लिखी है उसका आपके ईआर से कोई ताल्लुक नहीं वो सिर्फ आपके लिए एफ वाई आई है फॉर योर इंफॉर्मेशनैरियो से कोई ताल्लुक नहीं है एंड दिस इज बाय डिजाइन आपको ये मोटिवेट करने के लिए है कि स्नैरियो में हर चीज आपकी ई से रिलेटेड नहीं होती यू विल गेट सम नॉइजी डेटा जिसका आपके स्नैरियो से कोई ताल्लुक नहीं है एंड दिस इज हाउ रियल टाइम स्नैरियो इज नाउ स्टेप नंबर वन कि हमने entities को आइडेंटिफाई किया एंट्रीज हमारे पास है बैंड सॉन्ग्स राइटर कंपनी एल्बम और बैंड के अगेंस्ट में जो एट्रीब्यूट लिखे अगेन मैंने कोई प्राइमरी की फॉरन की नहीं लिखी जान बुझ के क्योंकि वो हम लोग फिजिकल डाटा मॉडल में लिखेंगे बैंड के एट्रीब्यूट हैं बी नेम यानी बैंड नेम टोटल कैटेगरी यानी सूफी गाने गाते हैं रॉक स्टार्स हैं व्हाट्स एवर सॉन्ग्स हैं सॉन्ग नेम डन लैंग्वेज यू टैन टू डिफर एंड यू शुड डिफर आप कम अज कम पांच पांच एट्रीब्यूट लिखे खुद से ताकि आपको थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो राइटर राइटर आई डी डब्ल्यू आई डी राइटर नेम नेम क्योंकि रिपीट हो सकता है इससे मैंने आई दे दी चार्जेस एंड कैटेगरी कंपनी कंपनी नेम एड्रेस फोन नंबर एल्बम के अंदर एल्बम नेम एंड टोटल नंबर ऑफ सॉन्ग्स तो ये एक मुझे एज अ फर्स्ट क्लास एट्रीब्यूट मुझे समझ आए मैं लिख दिए आपका टास्क बी इसमें यह हो सकता है कि आप हर हर एंटिटी के अगेंस्ट कम अज कम पांच से सात एट्रीब्यूट लिखें इट ड मैटर गलत है सही है सिर्फ आपका आपका थॉट प्रोसेस स्टार्ट होगा एंड यू विल स्टार्ट राइटिंग द इट इट विल विल गिव यू अ वेरी गुड चांस टू प्रैक्टिस योर स्किल टू सी कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है नाउ अगेन जो सोल्यूशन मैं आपको अभी प्रेजेंट करने जा रहा हूं ईआरडी की फॉर्म में दैट इज माई वर्जन ऑफ द सोल्यूशन यू कैन डिस एंड यू शुड डिस अगर अगेन आप लोग स्नैरी को देख के सोल्यूशन को देख के ये बोलते हैं कि मैंने भी यही बनाया था ज रॉन्ग ये गलत है आपका सोल्यूशन वन टू वन मैपर कभी नहीं हो सकता मेरे सोल्यूशन से रीजन योर लॉजिक इज डिफरेंट माय लॉजिक इज डिफरेंट तो एडवांटेज आई विल है लेकिन इट ड मैटर लॉजिक आपकी और मेरी डिफरेंट होगी सही नहीं हो सकती अगर सही है इसका मतलब आपने ट्राई नहीं किया तो यू हैव टू ट्राई कम अज कम दो से तीन डिफरेंट वर्जन ई के आपने बनाने हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो के हाउ डिफरेंट ईआरडी विल लुक लाइक नाउ ऑन द स्क्रीन जो आपको स्क्रीन के ऊपर अभी नजर आ रहा है अब ये मेरा वर्जन है ईआरडी का मैंने बेसिकली पांच एंट्रिटीज बनाई है बैंड सॉन्ग्स राइटर कंपनीज एल्बम ये वही पांच एंटिटीज हैं जो अभी मैंने आपको एंट्रिटीज शो की है अब बैंड के साथ मैंने वही एट्रीब्यूट लिख दिए बी नेम टोटल पर्सन कैटेगरी बी नेम को मैंने बना दिया यूनिक आइडेंटिफायर यानी इट कैन बी कन्वर्टेड इधर इनटू प्राइमरी की और यूनिक की टोटल पर्सन को मैंने लिख दिया स्टारिक मीन मैनेटरी टेगरी कोमटरी लिख दिया तो लेटेस्ट थास जस्ट सी के ऑप्शन केयर टोटल टोटल सॉन्ग अंदर मुझे अगर टोटल नंबर ऑफ सॉन्ग नहीं भी पता इट डर एल्बम हैज टू बी देयर तो एल्बम तो नेम है उसके बाद फोन नंबर मुझे नहीं पता इट डरिंग टू दमिंग बैक टू द्रिटिकल थिंग नाउ बैंड अगेन वो अक वन एंटिटी और हर एंटिटी के साथ इसका एग्जॉस्टिवली रिलेशनशिप देखें बैंड कैन हैव जीरो और मोर सॉन्ग

राइटर के साथ तल्लु है मैनी टू मैनी का नाउ अगेन टू लीस्ट वन और मोर राइटर यानी ऐसा भी हो सकता है कि एक सॉन्ग एक से ज्यादा बंदे मिलकर लिखे ऐसा हो सकता है लेकिन जो राइटर है वो सॉन्ग लिख भी सकता है नहीं भी लिख सकता और एक से ज्यादा भी लिख सकता है नहीं लिख सकता दिस इज ऑप्शनैलिटी जीरो और एक से ज्यादा भी लिख सकता है बिकॉज कार्डनैलिटी है वन और मोर तो राइटर के लिए जरूरी नहीं है कि वो सॉन्ग भी लिखे राइटर एक है उसने सॉन्ग नहीं लिखा भी या वो लिख रहा है या इट ड मीन की वो राइटर नहीं है तो इट इज राइटर ही शी इज राइटर बट वो सॉन्ग लिखी नहीं है तो इट इज ऑप्शनल नाउ एल्बम टू सॉन्ग एल्बम विल हैव एट लीस्ट वन और मोर सॉन्ग रीजन हमने लिखा कि जी एल्बम में एक से बारह सॉन्ग्स होंगी तो इसका मतलब है मिनिमम वन होगी तो दिस लाइन कैन नॉट बी डॉटेड इट हैज टू बी सॉलिड लेकिन जो सॉन्ग है वो एक ही एल्बम का पार्ट है तो so अगेन जो ऑप्शनलिटी आ रही है फ्रॉम सॉन्ग

चिकन एनेट प्रॉब्लम पहले कंपनी बनेगी कि पहले एल्बम तो मैंने कहा जी कंपनी कैन रिकॉर्ड जीरोक्टली वन कंपनी एल्बम जो रिकॉर्ड हो गई है इट विल बी रिकॉर्डेड बाई एग्जैक्टली वन कंपनी ऐसा नहीं हो सकता कि एक एल्बम को दो कंपनी रिकॉर्ड करें ऑफिशियली एज पर दायरेसी लॉस एक एल्बम एक ही कंपनी रिकॉर्ड करेगी तो दिस कंक्लूड माई सोल्यूशन और माई वर्जन टू द एर डी अगेन आप लोग अपना सोल्यूशन ट्राई करो अगर आपकी कोई और एजम्पन है मीन मेरे ख्याल में जो आपको रिजर्वेशन होनी चाहिए एन द पॉइंट वेयर यू शुड डिस एग्री दैट इज के राइटर को आपने डॉटेड क्यों किया है या आपने कंपनी को डॉटेड क्यों किया है मतलब रिलेशनशिप्स के ऊपर अमूमन पीपल या डाटाबेस डिजाइनर्स डिसम्पन विल कम जैसे मैंने आपको बताया कि मैं डॉटेड क्यों बनाया If your assumption different, hai, make it solid, but do have at least two to three different versions of the same scenario, and it is totally possible. Don't stick to only this solution.